दोस्तों, किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ। जब भी कोई उससे बात करता तो हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से वो और परेशान हो जाता कि उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। ये जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ, दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलब ही हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल बात करूंगा। अगले दिन सुबह महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बुलाया और महात्मा जी ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं पाया, इसलिए मैं रात भर सो ही नहीं सका। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा काम करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ और कहा, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने मुझे भी परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म हो गई तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की यह बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े। मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। नेक्स्ट टाइम एक नई कहानी और एक नए टॉपिक पर फिर मिलेंगे। तब तक गुड लक।